Hello and welcome to Defense Mania. Complete Polity through MCQs की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट राज्यसभा. राज्यसभा जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको NDA, CDS, FCAT, टेरिटोरियल आर्मी, INET और CAPF में देखने को मिल सकते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. देखो, जब हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था जिसमें हमने स्टडी किया था कि हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे, तब हमने ये चीज़ वहाँ पे स्टडी की थी. तो आई विल टेल यू डायरेक्टली कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिया था इलेक्शन मेथड ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा हमने लिया था साउथ अफ्रीका से. ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक और आएगा. राज्यसभा का एक और फीचर है जो हमने एक और कंट्री से लिया था, वो हम आगे देखेंगे, तब आई टेल यू. लेकिन तब तक आप याद रखना कि सिर्फ इलेक्शन मेथड हमने राज्यसभा का लिया था साउथ अफ्रीका से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इस, मतलब स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज से कितने मेंबर्स होते हैं. तो राइट आंसर इज 238 मेंबर्स. ठीक है, लेट मी टेल यू, ये आगे भी क्वेश्चंस में कवर होगा. टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम लिमिट होती है राज्यसभा की. ठीक है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से होते हैं 238 मेंबर्स. अब हम बाकी के मेंबर्स का क्या होगा. ये टोटल 250 है और 238, मतलब ये 12 मेंबर कहाँ से आए. ये क्वेरी अपने माइंड में या क्यूरियोसिटी मेंटेन करके रखना, हम आगे के क्वेश्चंस में इसको देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व राज्यसभा. राज्यसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है. राज्यसभा के चेयरमैन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, जॉइंट सेशन या नो वन. तो इसका आंसर है नो वन, क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है. ठीक है, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस या राज्यसभा, ये सिनोनिमस है. ठीक है, इनको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन केस ऑफ मनी बिल्स, नॉन मनी बिल्स, सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं आपको बता दूँ, मनी बिल, नॉन मनी बिल्स और ये अमेंडमेंट जो होते हैं उनके प्रिविलेजेस लोकसभा ज़्यादा इंजॉय करते हैं. ठीक है, लोकसभा ज़्यादा इंजॉय करते हैं मनी बिल के केस में तो खासकर. ठीक है, इसमें लोकसभा का ही प्रेवलेंस ज़्यादा होता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. इसमें जो राइट्स होते हैं वो राज्यसभा ज़्यादा एंजॉय करते हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का टेन्योर क्या है. तो ये परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये कभी राज्यसभा या अपर हाउस डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, दिस इज़ परमानेंट बॉडी. और लोकसभा दे कैन डिसॉल्व, उनका टेन्योर वैसे 5 years का होता है. हम लोकसभा की भी एक अलग क्लास लेंगे, लेकिन पहले भी ये डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा, लेकिन राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर की तो टर्म होती है, वो परमानेंट नहीं हो सकते, उनके टर्म होती है 6 साल की. ठीक है, दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको हम डॉज नहीं करेंगे. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 5 years के साथ. ठीक है, 5 years नहीं होगा. राज्यसभा के मेंबर 6 years के लिए चुने जाते हैं.
और इसका पीडीएफ एज यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ आपको डिफेंस मेनिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके सर्च कर सकते हो डिफेंस मेनिया पे, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो नेम डिफेंस मेनिया फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज कॉल और पिंग अ मैसेज ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। ये देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राज्यसभा कर रहे हैं, तो वही तो आंसर होगा ना। तो इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उनको जो सैलरी अलाउंसेस सब कुछ जो मिलता है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में मिलता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन ये राज्यसभा के ऐसे मेंबर नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ही इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बट ही इज़ नॉट द मेंबर। देन हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। देखो हमने देखा था टोटल 250 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम लिमिट। 238 जो होते हैं वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था 12 और मेंबर्स कहाँ से आते हैं, 12 मेंबर्स यहाँ से आते हैं। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वॉज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। देखो आ गया यहाँ पे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्शन मेथड ऑफ लोकसभा, है ना, सॉरी राज्यसभा, वो हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। जिसको ये फैक्ट पता होगा वो मैक्सिमम टाइम से गलती करेगा कि ये आंसर टिक करके आ जाएगा साउथ अफ्रीका। राज्यसभा का कोई भी प्रोविजन है हमने साउथ अफ्रीका से लिया था, बट नो, तभी मैंने कहा था कि इलेक्शन मेथड हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, बट नॉमिनेशन जो है ना, नॉमिनेशन हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। राज्यसभा में जैसे कि हमने देखा दो चीज़ है, 238 मेंबर्स पर प्लस 12 मेंबर्स जो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके प्रोविजन लिए हैं साउथ अफ्रीका से, और ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो हमने लिया है आयरलैंड से। आई थिंक इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको बहुत सारा क्लेरिफिकेशन मिल गया होगा, राइट। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ नोट इट डाउन। अगर अभी तक आप नोट नहीं कर रहे थे प्लीज़ उन सारी वीडियोज़ को, आज तक पॉलिटी के जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको दोबारा देखो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। एग्ज़ाम के पहले आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट लगने वाले हैं और आपका बहुत अच्छा रिविजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा FCAT का और INET का, ऐसे क्वेश्चन ये फेवरेट होते हैं FCAT के और INET के कि फर्स्ट कौन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन यहाँ पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है तो वी विल नॉट डॉज इट। डायरेक्टली मैं आपको बता दूँ जो S राधाकृष्णन जी हैं वो फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं राज्यसभा के, तो ये फैक्ट था, आप मेमोराइज कर सकते हो। और ये सेकेंड फैक्ट आ गया है, हु वॉज फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो पहले मैं थोड़े से इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, कि जो राज्यसभा होते हैं उनके एक तो चेयरमैन हो गए हैं ना, चेयरमैन जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और दूसरे होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। ये दोनों का जो सिलेक्शन होता है, दोनों का इलेक्शन होता है, वो राज्यसभा वाले लोग ही, राज्यसभा मेंबर्स ही अपने आप में चुन लेते हैं, ठीक है, अपने आप में ही चुन लेते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को। और अगर ये डेप्यूटी चेयरमैन, ये चेयरमैन एब्सेंट होते हैं तब ये डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन के रोल्स को निभाते हैं, ठीक है, ओके। और अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूँ, तो ही वॉज SV कृष्णमूर्ति राव, ठीक है, ही वॉज फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, यू कैन मेमोराइज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the union territories having representation in Rajya Sabha? This is very important. ये बहुत less known fact है कि सारे union territories का representation नहीं है Rajya Sabha में, सिर्फ दो ही union territories हैं, वो कौन कौन सी है, Delhi and Lakshadweep, Puducherry and Lakshadweep, Delhi and Andaman and Nicobar Islands, या Delhi या Puducherry। तो मैं आपको आंसर बता दूँ, Delhi and Puducherry ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज़ का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं. आपने कभी भी सुना है कि आप वोट करने जा रहे हो फॉर राज्यसभा? आपने जब भी वोट किया होगा हमेशा लोकसभा के लिए किया होगा, है ना, लोकसभा के लिए या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. लेजिस्लेटिव असेंबली इक्विवेलेंट होती है विद लोकसभा. लोकसभा होती है यूनियन लेवल पे और इसके इक्विवेलेंट होती है. ये चीज़ें जब हम द स्टेट स्टार्ट करेंगे ना तब हम याद करेंगे, ठीक है. द स्टेट जब भी स्टार्ट हो रहा हो, आप उसकी वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर आपने द यूनियन के सारे वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि फिर हम इक्विवेलेंट लेते हुए चलेंगे, तो उससे आपके पिछला रिवीजन भी हो जाएगा और नेक्स्ट भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे. इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे हो गए तो कौन हो जाएगा? गवर्नर, ठीक है. इनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं. यहाँ पे स्टेट में सीएम हो गया तो यूनियन लेवल पे पीएम हो गया. इस तरह से हम पढ़ेंगे. तो लोकसभा का जो इक्विवेलेंट होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और हम वोट करने जाते हैं तो ये लोअर हाउस के लिए ही करने जाते हैं इन बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल, ठीक है. तो पीपल तो यहाँ पे भी कैसे भी करके आंसर नहीं हो सकता. हम राज्यसभा के लिए वोट नहीं करते. लोकसभा, लोकसभा के राज्यसभा के लिए वोट करती है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यस दिस इज़ ट्रू. लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? राज्यसभा इज इक्विवेलेंट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है. लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है और लेस नोन भी है, इसलिए बहुत बच्चों के ये गलत आंसर होते हैं यहाँ पे. तो आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप MCQs में बेटर स्कोर कर सको. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिनके तीन पिलर्स होते हैं. एक तो प्रेसिडेंट खुद, प्रेसिडेंट खुद, और एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है. लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होती. लोकसभा राज्यसभा तो आते ही हैं पार्लियामेंट में, लेकिन प्रेसिडेंट भी एक थर्ड लेग होता है पार्लियामेंट का, ये उनको नहीं पता होता. ये गलत कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आई हैव नॉट प्रोवाइडेड यू ऑप्शंस, लेकिन प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है. 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा. और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हमारे कोर्सेज को हमने अब अपग्रेड किया है. वी हैव मेड प्रीमियम कंटेंट ऑफ दिस. Our courses are available on Defense Mania app, जो आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो. If you are using iOS platform, तो आपको My Institute करके app मिल जाएगा. My Institute is nothing but Defense Mania only. आप वहाँ पे CDS, FCAT और FCAT plus CDS वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 270 plus videos मिल जाएंगे. अब इसको और अपडेट कर दिया गया है. फाइल्स मतलब PDFs और टेस्ट, और इसमें जो टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन मेथड से ही होते हैं. तो एट दी लास्ट आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ ही अपना रिजल्ट मिल सकता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के आपका स्कोर क्या हुआ है. और ये टॉपिक वाइज होगा. जैसे इसमें आपने वीडियो देख ली, ये PDF पढ़ लिया, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट अ टेस्ट. इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. इसमें डिफेंस मेनिया के प्रीमियम बुक्स भी आपको मिल जाएंगी और क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई कमी ना रह जाए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दीज वीडियोस. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस बिफोर एग्जाम्स. आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा अभी. सो आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद.